भारत और चीन के मध्य विवाद काफी अरसे से चला आ रहा है, चाहे वो डोकलाम विवाद हो या फिर सीमा में घुसपैठ का। दोनों देशों के बीच कुछ न कुछ तनातनी रहती है। अब नया मामला सामने आया है, चीन की इस हरकत से भारत में जल संकट खतरे में पड़ सकता है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी की धारा मोड़ने के लिए 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार चीन ब्रह्मपुत्र की धारा को तिब्बत से अपने शिनजियांग प्रांत की तरफ मोड़ना चाहता है। तिब्बत से निकलने वाली ये नदी भारत के पूर्वोत्तर से होते हुए बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर चीन ये सुरंग बनाता है तो ब्रह्मपुत्र के बहाव में बदलाव आएगा, जिसका नतीजा इस पर निर्भर बहुत से इलाकों में जल संकट हो सकता है। चीनी अखबार साउथ चीन मॉर्निंग पोस्ट में छपी खबर के अनुसार ब्रह्मपुत्र के रास्ते में सुरंग बनाने की योजना उच्च स्तरीय अधिकारियों को दे दी गई है, जिन्हें मार्च 2018 तक अपनी राय देनी है। ये सुरंग बनने से तिब्बत और पूर्वोत्तर भारत के पारिस्थिति को भी नुकसान हो सकता है। इस सुरंग को बनाने में 15 करोड़ डॉलर प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।